हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैं टू बी ऑनेस्ट रात को सिर्फ 1-1.5 घंटा सोई हूँ और उसके बाद मैं उठ गई, क्योंकि आज मेरे को हर हालत में पासपोर्ट का काम करना है। मुझे 5 बजे उठना था बट मैं 3:30 की उठी हुई हूँ और 1.5 घंटा मैंने काम किया एंड अब मैं नहाने जा रही हूँ। आई एम गोना गेट रेडी सो दैट मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकूँ सुबह सुबह। मेरे को डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स लेने थे लेकिन मैं नहीं करवा पाई कल। अब कितने सारे दोस्तों को पूछा कि यार प्रिंट आउट है तुम्हारे घर पे, प्रिंटर है, और वो कहते हैं यार प्रिंटर तो है लेकिन इंक खत्म हुई हुई है, प्रिंटर तो है इंक खत्म हुई। रिंकू के घर गई, उसके घर भी नहीं चल रहा था प्रिंटर। अब क्या करूंगी, सुबह सुबह 6 बजे वहां पहुंचना, होपफुली आसपास वहां पे कुछ मिल जाए तो मैं प्रिंट आउट निकलवा सकती हूँ, वरना आई एम गोना आस्क देम, रिक्वेस्ट देम कि अगर वो प्रिंट कर सकते मेरे डॉक्यूमेंट्स को। सो विल सी, स्टे ट्यून्ड। चलो मैं नहा कर मिलती हूँ आपको, बाय। दोस्तों, आई एम ऑल रेडी। 6:05 रह गए हैं, मुझे पहले कुछ थोड़ा सा खाना है सो दैट मुझे वहां पे भूख ना लगे, हो सकता है लाइन अप बहुत ज्यादा हो। सो मैं कुछ खाती हूँ और फिर आपको मिलती है थोड़ी देर तक। सावर्डो ब्रेड का सैंडविच बना रही हूँ, घर की ग्रीन चटनी विद आलू की स्टफिंग, और ये पैटी मेकर में बन जाएगी। सैंडविच बन गया है और ये बन गई है मेरी कॉफी, गर्म रहेगी इसमें। बहू, मैं ना जा रहा हूँ, पैदल जाऊँगा, ठीक है? मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी में से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ। गाड़ी से जाऊँ, पार्किंग कहाँ ढूँढनी है? ट्रेन से चले जाओ। ट्रेन से जाऊँ, वैसे तो गाड़ी से जानी चाहिए, पार्किंग हर जगह मिल जाती है, थोड़े से पैसे लगा लेंगे, इजी पीजी काम है। ट्रेन से जाएगी, डॉक्यूमेंट्स है, भागी दौड़ी करेगी, चल ठीक है, थक जाएगी। ओके, चल ठीक है, बाय, लव यू। वैसे तो अगर तुम ट्रेन से जाएगी कितने टाइम में? 6:15 हो रहे हैं अभी। बाय दोस्तों, बाय, गुड नाइट। अंधेर है और गाड़ी पिक करने जा रही हूँ मैं चार्जिंग स्टेशन से। ठंड हो गई है सुबह सुबह, टोपी नहीं मैं लेकर आई, जल्दबाजी में भूल गई टोपी। प्यारी प्यारी नानी ने मेरे लिए बनाई हुई है, आज दिन था पहनने का, मैं पहन पाया। फाइनली आई एम इन माय कार और अब चलते हैं BLS वैंकूवर। कह रहे हैं डेस्टिनेशन मे बी क्लोज व्हेन यू अराइव, बट हमें पता ही है दोस्तों लाइन अप होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। 7:29 तक पहुँच जाऊंगी, गुड, नॉट बैड। पूरा अंधेरा है दोस्तों, मैं फंस गई हूँ रश आवर में दोस्तों, बट ग्लैड आई हैव ऑटो पायलट, गाड़ी अपने आप चल रही है आराम आराम से। आई तो कांट इवन बिलीव ना रश एंड मोमेंट पे, मतलब क्या ही होता है ना, शायद मैं ट्रैफिक में भी इसलिए फंसी। एंड मोमेंट पे मासी का मैसेज आ गया कि किरत सेंड मी द PDFs, आई विल प्रिंट इट आउट फॉर यू। मैं बस मासी के घर से 5 मिनट दूर हूँ एंड आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। इतना मेरे को ऐसे हो रहा ना कि थैंक गॉड, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो गए। आज तो पासपोर्ट हर हालत में लेके ही रहना है। रीच डाउनटाउन, लेट हो गया हूँ, बस अब देखो कि क्या बनता है। स्ट्रीट पे पार्किंग मिल गई है, परफेक्टो, यहाँ सस्ती होती है, ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे था BLS का ऑफिस, मेरे को नंबर मिल गया, अपॉइंटमेंट मिली है मेरे को आज की 11:30 की। ओह माय गॉड, कहते देर इज नो लाइन अप नाउ, यू कांट स्टे आउटसाइड, सो देर इज नो गारंटी अगर 11:30 भी आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, How about I go back home, come back again? How about that? We'll see दोस्तों क्या करते हैं अब। बहुत ज्यादा नींद आ रही, सोचे अपनी गाड़ी में सोई जाऊं 11:30 तक, क्योंकि मैं 3:30 की उठी हुई हूँ। Can have a nap for 1 hour easily or 2 hours. मौसम काफी अच्छा है यार, वैंकूवर में कोई बारिश नहीं हो रही, सच अ क्लियर वेदर, बट बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कुकता सबको कमेंट स्लीप दोस्तों, और मैं ऊपर देखूंगी रेवन को, लेट मी शो यू। यहाँ पे ऐसे
टहनियो पे रेवन जाके बैठ रहे हैं, और इधर है कनेडियन एम्बेसी और वो रहा वर्साचे का शोरूम, उस वाली साइड पे है बीएलएस ऑफिस। ये मेरे को कह रहा है कि कुका व्हाई डोंट यू वॉच समथिंग, बट आई वांट टू डू नीनी। बाय बाय। हेलो हेलो हेलो। सो अपडेट ये है, मैंने गाड़ी में रेस्ट करी, थोड़ी बहुत ईमेल्स का रिप्लाई करा, नीनी भी गई, 1.5 आवर का नैप लिया और ऑलमोस्ट 11:30 होने वाली है। सोच रही थी कि बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, बट मैंने गाड़ी में ही काफी रेस्ट ले ली है और गाड़ी का कंफर्ट छोड़ के जाने का दिल नहीं था मेरा। दो बड़ा सुहाना मौसम है, देखो इधर मैं रुकी हुई हूँ, पूरी ऐसे धूप निकली हुई है, बस टाइम आने वाला है मेरी अपॉइंटमेंट का। इट्स कनाडा प्लेस। अभी भी नंबर नहीं आया, नंबर चल रहा है अंदर 25 और मेरा नंबर है 36, सो आई एम नॉट टू श्योर आज नंबर आएगा कि नहीं। आई एम होपिंग कि आज आ जाए। आज इतने दिनों बाद मैंने ये अपना फाइल फोल्डर उठाया है यूबीसी वाला। 203 बार कोशिश, मामू ने तो कहा था यहाँ रश नहीं होता, बट पांच घंटे की कश्मकश के बाद, वेट करने के बाद नंबर नहीं आया मेरा। आई वॉज सो क्लोज, 34 नंबर चल रहा था और मेरा 36 था, पर 1 बजे तक ही एप्लीकेशन लेते हैं ये, एंड कल दोबारा आऊंगी। अब शिट मैन, दोबारा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। टू मच मूड चेयर अप करने के लिए मैं आई हूँ ब्रेका बेकरी। So delicious and there 24/7. Guys, यार इतना delicious होता है ना यहाँ पे। टोरंटो में मैं ऐसा देख रही थी, कुछ नहीं था, अच्छा लग रहा है। मैंने टू गो करवा लिया है, चकाचक भरी होती है भाई ये बेकरी। मैंने इतना टोरंटो में ढूंढा था कि कुछ ऐसा 24/7 मिल जाए, बट कुछ नहीं है, बट यहाँ पे वैंकूवर हैज इट। एक स्टोर से स्टार्ट हुए थे एंड नाउ दे हैव लाइक क्वाइट मेनी स्टोर्स विद इन मेट्रो वैंकूवर। तो सही है, और ही भूख लग रही थी मेरे को, फ्री पास में था तो उन्होंने ले लिया। फीलिंग लो पर इट्स ओके। पता क्या, सुबह 3:30 का मैंने स्केड्यूल अपना सेट किया हुआ था, अब दोबारा कल करना पड़ेगा। मैं तो सोची कल 4 बजे आके बैठ दूँ यहाँ पे, 4 से 8 तक, 4 घंटे फिर भी लगेंगे मेरे। नॉट एज गुड एज हाउ निकिता मेक्स, बट क्लोज। निकिता तो भाई बहुत ही जन्नत जन्नत। आई थिंक मुझे टिरामिसु केक बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया After dress lectures, but tiramisu is really good. Hi guys, welcome back to the channel. देखो कौन आ गया घर में वापस, थक हार के बेचारा मेरा गुगला। चल चल सोने चल आजा। ये गाइस कल रात से नहीं सोई है और सुबह से निकली हुई है। आज दोबारा से हमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए नाइट आउट पे मारना पड़ेगा। कीरियत पता है क्या ये कि सुबह 4 बजे लाइन लगती है यहाँ पे, अदरवाइज जो अपॉइंटमेंट है वो है जनवरी की। यार मैं तो मामू ने कहा था 7 बजे चले, मुझे लगता अगर मैं 7 बजे चली जाती ना तो लग जाता। तो फिर कल 7 बजे चलेंगे, वही होता है कि थोड़ा लेट लगेगा, 4 बजे सबसे पहले लग जाएगा शायद। 7 बजे अगर जाओगे तो मतलब के 11:30 तक नंबर आएगा। आज कीरत को 11:30 का टाइम मिला था, फिर 11:30 भी इसको बोला कि भाई नहीं पॉसिबल घर जाओ। अरे 1 बजे तक वेट किया यार, 12:30 से लेके। अच्छा अच्छा चल तेरे को सुनाऊं, मैंने जिम जाने पहले, आई एम गोइंग टू अ न्यू जिम, ट्रायल के लिए जा रहा हूँ मैं आज। गो गो। तूने खाना खा लिया? मजे मार के आई है बाहर? मतलब कैसे कैसे वॉशरूम आई है? दोस्तों काम खत्म हो गया है और टाइम हो रहा है 4:45 PM। जूते उठाएंगे, जिम चलेंगे, विंटर सॉक्स को करेंगे बाय बाय, स्पोर्ट सॉक्स को पहनेंगे। कीरा तो अभी भी घोड़े बेच के सो रही है, उसका सोना बनता भी है, सारी रात से जाग रही है। और यार मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं ना, मैं बता नहीं सकता, कटवाने का दिल भी और नहीं भी, कंफ्यूज चल रहा है कि क्या करा जाए। एंड आज मैं जाने वाला हूँ एक नए जिम में, जिस जिम का नाम है गोल्ड्स जिम, ठीक है। आई एम वेरी श्योर सबने सुना होगा, इट्स अ वेरी फेमस जिम। सो 1 डे का फ्री ट्रायल है, तो ईमेल आई हुई थी इनकी, मैंने कहा यार जाके देखते हैं
वर्कआउट ही करना है अपना, एक नया जिम भी देख लेंगे, अच्छा लगेगा तो ये 2-3 महीने के लिए 4 महीने के लिए ज्वाइन कर लेंगे। लाइफ में देखो मैं तुम्हें अभी तक पता लग ही गया होगा कि मुझे जिम्स की मेंबरशिप लेना कितना पसंद है। आज तो टपाटा कर रहा है तो कहीं पे भी हो सकता है। टपाटा के लिए आपको सिर्फ मैट चाहिए होता है, थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। सो आज जाके बेस्ट डे, बाय, लव यू। वॉशिंग मशीन के भी सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं ऊपर ड्रायर में डाल ही देता हूँ कपड़े जाने से पहले। मेरी बीवी काफी इंप्रेस हो जाएगी। इतना अंधेरा हो गया यार, अभी 5 नहीं बजे यार। वो टाइम याद है ना जब हम समर्स में आपको दिखाते थे 9:30 बजे तक भी लाइट होती थी। पूरा डेड अंधेरा हो गया यार, काफी सैड हो जाता है विंटर्स में तो सच्ची। जाके देखते हैं कैसा लग रहा है गोल्ड्स जिम। जितने भी जिम्स में होते हैं ये आपको फर्स्ट डे से पहले वेपर भरवाते हैं कि अगर आपको जिम में कुछ हो गया, डंबल लग गया, कुछ हो गया, रॉड लग गई, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो फॉर्म इन्होंने भरवा दिया, वेट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव का, वो आएगा मुझे जिम का टूर देगा। लेट्स सी गाइस, मेरा वर्कआउट खत्म हो गया है। तो आज क्या हुआ, मेरे को मैंने बताया था कि मेरे को कार्डियो टाइप करना है और कार्डियो करने का दिल नहीं करता, तो एक क्लास लग रही थी, मैं उस क्लास में घुस गया। मैं कहा फन हो जाएगा, फन छोड़ो मेरी जान निकल गई है। बॉडी वेट फंक्शनल ट्रेनिंग थी 1 घंटे की और इन्होंने ऐसी तैसी मार दी, मतलब मैं बता नहीं सकता। मेरी हार्ट बीट 180-185 रही है। अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आई रियली नीड टू वर्क मोर ऑन कार्डियो। मेरी जान निकल गई, मैं बता नहीं सकता। मेरे को हाई मेरे ख्याल से आंटी होंगी अराउंड 50 एज की, ठीक है 50-55 चाइनीज भी खेलो इसलिए चाइनीज लोग ऐसे बड़े मतलब फिक्र भी होते हैं, ख्याल रखते हैं, बट मेरी जान निकल गई। आई एम होम, हे भगवान, मैं घर आया हूँ दोस्तों। क्या खुला हुआ है, कौन सी कंपनी है? H&M। एवरीवेयर ब्लैक फ्राइडे सेल। इतना मुश्किल क्लास वर्कशॉप लगा के आया हूँ बाबू, मैं तुझे बता नहीं सकता। बस सारी लड़कियां मेरे को आसपास की कह रही कम ऑन कम ऑन, मैंने कहा नो कम ऑन, आई वांट टू डाई। यंगर क्राउड था क्या था? ये यंग नहीं थे, मतलब मेरे को लग रहा मेरी एज ही होंगे या मेरे से थोड़े बड़े। हाँ मतलब यंग वाले तो यार सारे प्रॉब्लम तो यही है ना, मैं भी हम कब वहां जाते हैं ऐसी क्लासेस में, हम वो करते बॉडी वेट ट्रेनिंग, इनमें से किसी की बॉडी नहीं बनी हुई थी या कोई फिट नहीं था, बट सबको स्टेमिना भाई नेक्स्ट लेवल बना हुआ, नेक्स्ट लेवल। हे भगवान, ये देखो गाइस क्या खा रही है लड़की। किरत बस कर, तेरा आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है गलत शलत खाना। वेरी ट्रू की लगी, मैं इतनी अच्छी चीजें लेके आता हूँ, ब्लूबेरी लेके आता हूँ, केला लेके आता हूँ, एप्पल लेके आता हूँ तेरे लिए। कॉस्को जाती तो कहती है एस्पेरेगस खाना है, बाहर आके चिप्स ब्रेकअप बेकरी पे क्या क्या पटके आई है। डिप्रेशन में था, इस बात के डिप्रेशन में भाई। आज सुबह जाएंगे गाइस 4 बजे इसका पासपोर्ट करवाने के लिए, वरना जनवरी की डेट है, और अगर नहीं हो पाया फिर लंदन का वीजा नहीं मिलेगा, फिर तेरा बर्थडे खुश। मुझे देखा ही नहीं, बाल कटवा लूं, इतना ध्यान देती है ना ये और मेरी मम्मा। मैं सच रहा हूँ, मैं कभी भी कटिंग करवा के आ जाऊँ, मम्मा भी और ये भी आगे पूरा मुआयना करेंगे मेरा। छोटे हो गए थोड़े। मम्मा भी ऐसे करते थे? ऐसे नहीं, तेरे को कहता तू मेरी माँ की कॉपी है। वाओ, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। फिर मैं मम्मा का भी लड़ता था, मैं कहा मम्मा प्लीज यार कर दिया, हाँ छोटे कर दिया। सेम मैं कीरत से भी लड़ता हूँ, हाँ मेरे को मत ध्यान दो मैं खो गए छोटे। तू मेरे से कोई प्यार नहीं किया इसने, मुझे अभी निहार रही है। भाई तूने कुछ खाना नहीं रखा, चिकन चुकन कुछ, पनीर सांबर बनेगा ये बस, सांबर इडली के साथ में, इडली खा के मेरा पेट निकल रहा है, मैं वहीं पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी बीवी इडली खिलाती है मुझे। नहीं सिर्फ मैंने अब स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाना है, आजकल चॉकलेट चॉकलेट भी खा रहा हूँ सब, मैं दे क्या हूँ। ज्यादा नौटंकी मत किया कर, लव यू टू। देखो पता ना मेरे जब भी ऐसे कुछ नहीं होता तो मुझे पता है मैं तेरे पास आऊंगा, यू गोना मेक इट ओके। कोई कैसे इतना प्यार कर सकता है किसी से, इसमें कोई कैसे किसी से तू है। मैं तेरे से सच कह रहा, मुझे टच मत कर, मेरी इतनी पेन हो रही है, मेरी टांगों में ऐसे दर्द हो रहा है। मैं तो आंख बंद करता ना, मुझे मेरी सामने आगे वाली चाइनीज आंटी दिख रही है, ऐसे ऐसे कर रहे थे आंटी। और इंस्पेक्टर कैसा था? इंस्पेक्टर तो लड़की थी, वो तो बहुत ही फिट थी, मतलब वो भी होगी 40s में, बट वो तो बहुत ही फिट थी, मतलब वो क्लेयर जैसी थी, मॉडर्न फैमिली की क्लेयर जैसी, वो तो उसके तो नस से दिख रही थी। अगर वो कहती कम ऑन कम ऑन, मैं कहा हाँ पैंट तेरी नस बाहर आ गई,
इंडियंस थे, सबसे बुरा परफॉर्मेंस किसकी थी बताओ? इंडियंस हैं, एक लेडी थे, मतलब वो होंगे अराउंड 50s में लग रहे थे वो मुझे. शी वॉज फिट. अच्छा. सो शी वॉज लाफिंग एट मी एंड देन शी सेड हा हा दिस इज इजी. कुडंट एग्री मोर. ठीक है, उनकी भी मतलब बॉडी बुडी बनी हुई थी. जब मैं कहता हूँ बॉडी तो मतलब फिट थे. तो ये लगा ले मेजोरिटी थी 50% क्लास थी चाइनीज, उसके 25% होगी इंडियन, और उसका मिक्स इधर उधर के गोरे शोरे ये सब होंगे. चाइनीज वगैरह कर रहे थे, इंडियन से तो तोते उड़े हुए. हम सब कह रहे मोरे 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 मोरे. मैं स्वांची देख रहा है मेरे लिए वो टिकट्स मेरे बर्थडे के लिए. मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है. भाई तू ये देख, वैंकूवर टू बैंकॉक की टिकट 1200 की मिल रही, बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी डील है भाई. वैंकूवर टू सिडनी ऑस्ट्रेलिया की 1500. मैंने पहले भी बोला मल्टीपल साइट्स पे डील देखा करो, ये मैं फ्लाइट अप पे देख रहा हूँ. ये बेस्ट डील्स ऑफ द डे है. तुम ये देखो, वैंकूवर टू लास वेगस 29 जनवरी को जा रहे हैं और 2 फरवरी को वापस, $155 की राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप ये कैलगरी वाला राउंड ट्रिप तो नहीं हो सकता यार. एक्साइटमेंट है गाइस लंदन जाने की. मैं इसको बता रही थी, सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं नवंबर क्रिसमस में, सॉरी दिसंबर और उसमें. नंबर इज रेडी. इमली शिमली सब डालती हूँ मैं, तड़का भी लगाया मस्टर्ड सीड्स का, कड़ी पत्ते का, बहुत ही अच्छा लगता है सांबर बनाना. हीरोइन क्या ओ भाई अभी गिरने वाला था. मेरे लिए नहीं, मेरे लिए, मैं तो चेयर्स करने आया था तेरे साथ. आई लव यू. सो मैं कोशिश कर रही हूँ लंदन का वीजा अप्लाई करने की आज ही रात को, देखते हैं कि कहाँ तक एप्लीकेशन भर पाती हूँ. लेट्स सी कि कोई एक्स्ट्रा चीजें चाहिए ना हो. मुझे लग रहा है बस, मेरे को लग रहा है फैंस डिजिटल फोटोकॉपी फोटोग्राफ चाहिए होगी मेरी. हाँ देखती हूँ, बाकी मांगते हैं या नहीं. चल पासपोर्ट दे अपना. पासपोर्ट का ये रहा. पूरी रात का जगराता होगा. अभी 2 बज रहे हैं, अभी तक मेरी लंदन की एप्लीकेशन फिल कर रही है ये. पहले मेरी करेगी फिर अपनी करेगी. कुका मोरे मोरे. बहुत ही ज्यादा ऐसे स्लिम चांसेस हैं कि विल बी एबल टू मेक इट, क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा क्लैश कर रही हैं. हफ्ता महीना तो कह रहे हैं पासपोर्ट बनने में आता है, और फिर हफ्ता इसको लगेगा. हम ना BLSS की ये देख रहे थे वेबसाइट, ठीक है, इतने बुरे रिव्यूज आ रहे हैं, इतने बुरे रिव्यूज आ रहे हैं, मतलब कोई हद नहीं है. एक बार मैं आपको न्यूएस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है. ये इन्होंने कहा कि हमारे पापा की तबीयत खराब थी, तो हमने उनको बोला कि प्लीज जल्दी कर दो. वो बंदी कहती पहले मुझे यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, इन रिस्पॉन्स शी इज आस्किंग फॉर अ डेथ सर्टिफिकेट. शी वुडंट लिसन टू वॉट वी वर सेइंग, मिनिमम आई कॉन्टैक्ट. कह रहे मेरे पापा की तबीयत खराब है, कह रहे डेथ सर्टिफिकेट दो. फिर इसने 1 स्टार दिया हुआ है बुरा. ये कह रहे वेंट देयर एट 7:21 AM. There were 99 people ahead of me. If you want to be sure to get in, because they stopped taking people at 1 PM. मेरे कुक के साथ भी यही हुआ आज. मोरे मोरे. यार मैं तो सोचो, मतलब फियांचू मैं, मुझे तभी ऐसे हो रहा है कि सरी में तो पता नहीं कितना टाइम लगा रहे होंगे. अगर वैंकूवर में 4 बजे पहुंच जाते हैं, कितने लोग मेरे साथ वाला था, कहता मैं एबसवर्ड से आया हूँ, उसका 37 और 38 था नंबर. और तेरे के था? मेरा 36 था. जस्ट वो 8:10 पे पहुंच गया था आई थिंक, तो फिर भी नहीं हो पाया हमारा. तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सरी में तो आई डोंट नो, 4 बजे 50 लोग होंगे सरी में, मुझे इतना गारंटी है सच में. चल पर वैंकूवर चलते हैं. मुझे ये डर है कि वैंकूवर में इतने लोग नहीं होंगे, सरी में 4 बजे बैठ ओए पे तेरे को ब्रेकफास्ट खिलाऊं, या फिर अभी जाके देखाते हैं कि बैठने तो नहीं लग गए 2 बजे. वॉरेन ब्रदर्स स्टूडियो. वॉरेन ब्रदर्स. इसकी लैपटॉप की डिक्टेशन ऑर्डर के ऑन की थी गाइस मैंने. पागल ही हो गई डिक्टेशन देख. तो बाबू तो बता कि तू तो दादी टाइप की एज की है वो. वॉरेन ब्रोस ही है, ब्रदर नहीं है बाबू. उसको वॉरेन ब्रदर्स कहते हैं. ये देख बाबू, बोलते तो ब्रोस बोलते हैं. ब्रोस नहीं बोलते, वॉरेन ब्रदर्स है वो. ब्रोस शॉर्ट फॉर्म बोलते. चल डिक्टेशन ऑन करके हमें. I don't want to go to London.
सबको बताते हमारी हमारी बात हुई अभी, जिससे अभी लंदन का वीजा अप्लाई किया, चांसेस कितने स्लिम है हमारे, बहुत स्लिम है हमारे, 1% है हमारे। सुबह के बज रहे हैं 3:53 और अब हम जा रहे हैं सरी के BLS ऑफिस और ये है डे 3।